तुम बहरूपी को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो ऐसा दोबारा करने की कभी ना सोचे। तुम्हारे साथ वही होगा जो प्रीति कृष के साथ करने वाली थी। तुम भी उसी आग में जलोगे जिसमें मेरे पति जल रहे थे। तुम्हारे साथ वही होगा और प्रीति खुद ऐसा करेगी। सोचने और करने में बहुत फर्क है राधिका। देखना, जिस दिन प्रीति लौटेगी मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा, फिर तू और तेरा वो परिवार सब मारे जाएंगे। तुम तो वो तब करोगे जब मैं तुम्हें उस काबिल छोड़ूंगी। राधिका एंड कृष एक साथ हैं। Come on guys, let's party. नहीं, हम लोग इतने इत्मीनान से नहीं रह सकते। हमें अभी भी अलर्ट रहना होगा। लेकिन अब किस बात का डर? डायनी को तो तुमने खत्म कर दिया है और प्रीति पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। वो क्या है ना नीरा, जब तक दुश्मन खत्म ना हो जाए तब तक उसका खतरा नहीं टलता। हमें अभी भी ये ड्रामा कंटिन्यू करना होगा। जब भी कृष प्रीति के सामने आएगा तो वो करण की तरह एक्ट करेगा ताकि उनका असली मकसद हमें पता चले। खेल में जीत उसी की होती है जो पहले से अपनी अगली चाल के लिए तैयार रहे। एनीवे, अब तुम दोनों जाओ यहाँ, लेकिन हाँ, बी अलर्ट एंड टेक केयर। वो डाइनी कौन है राधिका? और वो प्रीति कहाँ गई? पहले मुझे प्रीति ने कहा कि तुम मर चुके हो, फिर कहा कि तुम जिंदा हो लेकिन तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये सब हो क्या रहा है राधिका? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। प्लीज राधिका, तुम्हें मेरी कसम है, टेल मी। राधिका प्लीज अब मत रो। राधिका, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब तुम्हारी आंखें सिर्फ आने वाले कल के ख्वाब बुनेगी और कुछ नहीं। अब हमारी कहानी जरूर पूरी होगी।
कृष, अब मैं आपकी राधिका नहीं रही। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। तब तक जंगल में खेलती है जब तक शेरनी सो रही हो, क्योंकि जब एक बार शेरनी नींद से जाग जाए तो शिकार किए बिना नहीं रहती। पर मुझे तेरा शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता राधिका, तैयार हो जा मेरा स्वागत करने के लिए। यही है मेरा सच, जो दिखने में बदनुमा और डरावना है, बुरा ख्वाब जो नींद के टूटते ही टूट जाता है। अब यही बुरा ख्वाब मेरी जिंदगी की सच्चाई बन चुका है जो कभी नहीं टूट सकता। क्रिश, जब मैं अपने आप को इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती तो आप मुझे कैसे स्वीकार कर पाएंगे? आप समझते क्यों नहीं है, एक प्रेम कहानी में एक राजा होता है और एक रानी होती है, कोई नागिन नहीं। और एक जहर भरी नागिन किसी को प्यार कैसे दे पाएगी? दुनिया का कोई भी जहर मेरा प्यार खत्म नहीं कर सकता। तुम आज भी मेरे लिए मेरी राधिका हो। कृष्ण, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरा जहर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे खुद नहीं पता कि कब मैं आपके लिए घातक बन जाऊं। मैं बस इतना जानती हूं कि प्रीति का इस घर में आने का जरूर कोई मकसद है, जिसकी कड़ी आपसे जुड़ी हुई है। मैं उस इच्छाधारी नागिन को छोड़ूंगी नहीं। खून का बदला खून ही लेता है और मैं तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगी दीदी। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम